तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ ना, वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो मेरे को सुनने में आ रहा है ना, वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। क्या ना कि कबीरदास जी कहते थे कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। लेकिन आजकल क्या ना कि इसके जस्ट विपरीत हो रहा है, क्योंकि कबीरदास जी का वो दो है ना, उसको छोड़कर लोग बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। क्या है ना कि पहले तो इटली को लेकर मैं दो तीन आपको खबर दे रहा हूँ। उन खबरों में सबसे पहली जो बात है ना, वो ये है कि दोस्तों, लोग पहले क्या है ना कि एजेंट थे जो पैसे खा जाते थे, भाग जाते थे इटली का नाम लेकर। लेकिन आजकल जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल अलग है। आजकल तो नूलावस्था ही फर्जी दे रहे हैं। जैसे आपका ये इटली के कागज़ आपने लगा दिए, उसके बाद आपको जो कागज़ मिलती है ना, वो ही फर्जी दे रहे हैं। एक भाई ने मेरे को नूलावस्था इंस्टाग्राम पर भेजी थी, तो मैंने देखा और फिर मेरे जो जानकार थे उनको भी दिखाया, तो उनके भी समझ में नहीं आई। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई ये नूलावस्था भी कहीं ना कहीं फर्जी है। हो सकता है कि उनके समझ में ना आई, फिर भी मैंने सुना है कि बहुत लोगों को एजेंट है ना, वो कम पैसे लेकर आप क्या ना कि कम चक्कर में फंस जाते हैं और आपको एक फर्जी नूलावस्था दे दी जाती है। फर्जी नूलावस्था, नूलावस्था उसको बोलते हैं जो इटली के कागज़ होते हैं ना, जो इटली का डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि आप इटली आ सकते हैं। क्या ना कि पहले तो कागज़ लगाए जाते हैं, उसके बाद में नूलावस्था निकलती है। लेकिन वो नूलावस्था ही आपको यदि फर्जी दे दे, तो फिर आप इटली कैसे आए। एजेंट क्या ना कि एक नया चक्कर चला रहे हैं। पहले तो पैसे लेकर भाग जाते थे, लेकिन आजकल क्या ना कि कागज ही फर्जी दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल सावधान रहना और अपनी नूलावस्था को चेक जरूर कर लेना। एक तो आप क्या करते हैं ना, वीडियो आधा देखते हैं, ऊपर से दो तीन मिनट का देख के और अपना डिसीजन बना लेते हैं कि भाई ये बात है नहीं। आप वीडियो पूरा देखो। यदि आप इटली आ रहे हो ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ या मैं जो जानकारी आपको देता हूँ ना, वो एकदम सही है। और मैं ऐसे मतलब वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। नूलावस्था होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये नूलावस्था मेरे रिश्तेदार की है। लेकिन कुछ ऐसी होती है, सारी नूलावस्था मतलब एक जैसी नहीं होती, कोई मतलब 6 महीने की होती है, कोई 9 की। तो आपके हाथ में जैसे ही नूलावस्था आ जाती है, तो उसके बाद में आप चेक करवा लेना किसी जानकार से, क्योंकि आजकल हर गली में कोई ना कोई इटली रहने वाला मिल ही जाता है। तो आप उससे चेक जरूर करवा लेना कि भाई ये नूलावस्था ऐसी होती है या नूलावस्था मुझे सही दी है क्या। तो भाई इन एजेंटों के चक्कर से जरा बच के रहना, क्योंकि ये लोग पैसे खाने के साथ साथ ये आपको गलत कागज़ भी दे सकते हैं। और सेकंड बात ये है ना कि आपको यदि कोई भी एजेंट या कोई भी जानकार ये बताता है ना कि मैं 5 दिन में आपके कागज़ लगवा के खुलवा दूंगा, या 10 दिन में आपको मैं इटली के कागज़ मतलब दे दूंगा, तो वो बिल्कुल आपके साथ धोखा कर सकता है। क्योंकि इटली के कागज़ लगाने के बाद खुलने में कम से कम 1-1.5 महीने का समय लग जाता है। तो यदि आपने जैसे ये 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 12 दिसंबर वाले में कागज़ लगाए हैं ना, तो आपके कागज़ खुलने में मतलब लगभग 1-1.5 महीने का टाइम लग जाएगा। कहने का मतलब जनवरी लास्ट तक ये कागज़ है ना खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको कोई बताता है ना कि भाई मैं तो 10 दिन में आपके कागज़ खुलवा दूंगा, 5 दिन में खुलवा दूंगा, मेरी वहाँ पे सेटिंग है इटली में, तो ऐसा इटली में नहीं होता है। किसी की भी सेटिंग नहीं होती है। यहाँ पर क्या है ना कि बिल्कुल लीगल कार्रवाई होती है और लीगल प्रोसेस से ही ये डॉक्यूमेंट खुलते हैं। इस साल जो डॉक्यूमेंट खुली है वो दिसंबर में, आपको पता ही है, मैंने वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ये वीडियो है। तो इस दिसंबर में ये कागज़ भरे जाएंगे, लेकिन आप लोगों को फाइल तैयार करके 26 नवंबर तक रेडी कर लेनी है, क्योंकि 26 नवंबर के बाद में आप फाइल तैयार नहीं कर सकते। तो आप 26 नवंबर से पहले पहले अपनी फाइल तैयार करके कंप्यूटर में सेव कर ले, और जैसे ही 2 दिसंबर को या 4 को या 12 को जब भी कागज़ खुले जाएंगे ना, तब आप ये फाइलें अपनी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी फाइल है ना, आप पहले पहले रेडी करके एकदम कंप्यूटर में सेव कर ले। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि इटली आने के लिए सिर्फ आपकी एक पासपोर्ट की 2 कॉपी चाहिए, जिसको फोटोकॉपी बोलते हैं ना, वो चाहिए। इसके अलावा आपके कोई भी डॉक्यूमेंट इटली आने के लिए नहीं लगने वाले हैं। तो कई लोग मुझे कमेंट करके ये भी बोल रहे हैं कि भाई आप हमें डरा रहे हैं। क्या ना कि वो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते और फिर कमेंट कर देते हैं कि भाई ये आप तो ऐसा बोल रहे हैं। पूरा वीडियो देखो, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि मेरा कहने का क्या मतलब है। यदि मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई नहीं नहीं इटली आ जाओ, यहाँ पर तो लाखों मिल रहे हैं, तो इटली में ऐसे भी कई लोग हैं ना कि भाई इटली में 40 से 50 हज़ार भी कमा पाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 1.5 से 2 लाख कमाते हैं। तो दोनों पहलों मतलब देखना ज़रूरी है। यदि आपको मैं बता दूँ कि भाई आप तो यहाँ आ जाओ और पैसे ही पैसे हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर आने के बाद 2-3 साल तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। यहाँ पर क्या है ना कि कागज बनते बनते 2-3 साल तो लग ही जाते हैं। तो 2-3 साल के बाद में आपके कागज बनते हैं, उसके बाद में आपकी कोई जानकारी होनी चाहिए, या आप डायरेक्ट भी कहीं पे भी या फैक्ट्री लाइन में लगती है ना, तो जाकर आपकी तनख्वाह अच्छी होती है। लेकिन यदि आप
डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। कई काम ऐसे हैं या कई साइड ऐसी है जिसको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई नीचे वाली साइड है वहाँ पैसे कम मिलते हैं, या ऊपर वाली साइड है ना जो पादवा साइड, यहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलते हैं। साधारण सी बात है, आप किसी से भी अपने जो इटली रहते हैं ना उससे पूछ लेना कि भाई ये बता रहे हैं सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ पर इटली में पैसे कई लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, कई लोग कम कमा रहे हैं, कई क्या ना कि डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, तो ऐसे काम मिलते हैं ना कि उसमें पैसे भी कम है और काम भी मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं होते। लेकिन इधर ऊपर वाली साइड में क्या है ना कि फैक्ट्री लाइन के काम है, तो यहाँ पर काम भी अच्छे होते हैं, ड्यूटी भी एकदम फिक्स होती है कि भाई 6 से 7 घंटे ड्यूटी होती है और पैसे भी भाई अच्छे मिलते हैं। तो देखो भाई, एजेंटों का तो काम ही है इटली बुलाना, आप लोगों को भ्रम में डालना, लेकिन आप ना मेरा कहना मानो, आप अपनी पूरी बात करके आना कि भाई क्या हमें इटली में काम मिल जाएगा। और पैसों की बात करें तो भाई पैसे तो देखो एजेंट लेंगे, यदि आप एजेंट के द्वारा आएंगे या एजेंट के थ्रू आएंगे तो पैसे तो देखो एजेंट का, आप अपनी समझदारी और पूरी बातचीत करके आएंगे ना, तो यहाँ आने के बाद आप फंसोगे नहीं, आपको एक अच्छा सा काम मिल जाएगा, फिर आप पैसे भी कमा सकोगे। क्योंकि यदि आप पूरी बात करके नहीं आए ना तो फिर यहाँ आने के बाद भाई बहुत ज़्यादा झोल हो जाता है। तो ये तो है नहीं कि मेरे कहने से आप यहाँ पर नहीं आने वाले हैं या आने वाले हैं, भाई आप अपनी समझदारी से आओ। मैं तो आपको इतना बता रहा हूँ कि आने के बाद क्या है ना कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें क्या बड़ी बात है भाई। यदि आप पूरी जानकारी के साथ आएंगे तो आपका ही फायदा है, नहीं तो आप यहाँ आएंगे फिर बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था इस चीज़ का। तो आप पूरी है ना बात करके और जानकारी के साथ। देखो इटली तो बहुत सारे लोग आने ही वाले हैं, क्योंकि जहाँ पर इस साल है ना 136,000 की वैकेंसी है ना, वहाँ पर कम से कम 500,000 फॉर्म भरे जाएंगे। तो कहने का मतलब देखो आप कि कितने सारे फॉर्म भरे जाएंगे और कितने लोग इटली आने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन क्या है ना कि आप बातचीत करके आते नहीं है, आधी जानकारी के साथ आते हैं, तो फिर यहाँ आने के बाद आपका बहुत ज़्यादा मतलब शोषण भी होता है। और एक क्या है ना कि डॉक्यूमेंट का आपको पता नहीं है कि भाई डॉक्यूमेंट पूरे कैसे होते हैं, तो डॉक्यूमेंट बनने में भी 2-3 साल का आजकल टाइम लग जाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए स्टाफ कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनने में 1-2 साल का टाइम तो लग ही जाता है। तो आप यदि इटली आ रहे हैं ना, तो 1-2 साल तो आप मान के ही चलिए कि आपका 1-2 साल तो मतलब ऐसे ही स्ट्रगल में कटे। ये थी भाई जानकारी कि भाई एक तो मूल अवस्था आपने चेक कर लें, और दूसरा कि कोई भी एजेंट आपको बोल रहा है ना कि 10 दिन में 5 दिन में आपके कागज खुलवा दूंगा, तो वो आपको धोखे में रख रहा है। और तीसरा भाई, इटली के कागज की डेट है ना वो 26 नवंबर लास्ट है फाइल रेडी करने की। तो ये थी आपके लिए नई जानकारी। आपको इटली के प्रोसेस को लेकर कोई भी डाउट होना तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जब भी ड्यूटी से फ्री होऊंगा ना तो आपके हर कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं यदि आपका कोई भी डाउट हो तो। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यदि आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक राम राम जी।